अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्मी जदान मुम्मा की जान, होप यू आर डूइंग गुड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग सब खैरियत से। बोलो तो आज मुम्मा तुम्हारे किचन में क्या स्पेशल है? हाँ, तो आज आप लोग के लिए लाई हूँ मैं एक नई रेसिपी, वो मैं मेरी स्टाइल में चिकन लेग पीस फ्राई। जिदान की, मेरी, सानिया की, हम सब की फेवरेट। ये मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप लोग ये रेसिपी देखोगे तो ये आप लोगों की भी फेवरेट हो जाएगी। हो जाएगी, वो होता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मेरी स्टाइल में, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी हम बनाते हैं। चलो जिदान, चलो तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन लेग पीस, तेल, हरा मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, और ये दही को मैंने एक घंटा पहले ऐसे छन्नी में डाल के रख दिया था कि इसका पानी निकल जाए। चीज़, ये दही चीज़ क्यों? ये चटनी बनाने के लिए कोथमीर, पुदीना, मिर्ची। अभी हम चिकन को मसाला लगा के एक घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो अभी चिकन में हम डाल लेंगे 3 चम्मच हरा मसाला। ये मसाला मेरा वही मसाला है जो मैंने रमजान में पीस के रखी थी। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को देखनी है तो मम्मा के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से। अभी दही देखिए आप लोग, ये दही का कितना सारा पानी निकल गया। वो पानी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम कपड़े में से करते हैं तो कपड़ा फिर खराब हो जाता है और वो कपड़ा वेस्ट हो जाता है। कोई कोई धो के भी रख लेता है, तो ये इजी तरीका है, छन्नी में डाल दो और फिर छन्नी को धो के रख लो। ये दही मैंने लगभग 6 चम्मच लिया है, ये बड़े बड़े 6 चम्मच। ये दही को भी हम इसमें निकाल देंगे। ऐसे दही का पानी क्यों निकालते हैं? दही का पानी इसके लिए निकालते हैं जिदान, क्योंकि फिर जब हम फ्राई करेंगे तो हमारी चिकन तो पानी छोड़ती है और दही में ये इतना सारा पानी जब छोड़ देगी तो हमारा मसाला सब इधर उधर हो जाएगा। तो अभी हम चिकन को पूरा मिक्स करके एकदम अच्छे से मसाला लगा देते हैं। तो चिकन को हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है, अभी हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे इसे फ्राई। तो जब तक 1 घंटा हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ चटनी, पुदीना, कोथमीर और मिर्ची। खाने के लिए चटनी डालेंगे, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना, इसमें शायद मेरी एक मिर्ची चली गई। हाँ देखो, ये मैं बस वही बना रहा था, मिर्ची कर गई। हाँ, एक मिर्ची चली गई। तो मैं 2 ही मिर्ची डालूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालना जितना टेस्ट खाते हो। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच दही, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। तो माशाल्लाह चटनी तो अच्छे से पीस गई है। अगर आप लोगों को ज्यादा लेना है तो दही ज्यादा ले लेना है, सब चीजें डबल कर देना, सब चीजें डबल कर देना। ये अंदर जिदान टेर रही है, हाँ स्विमिंग फ्लोट कर रही है। लेग पीस हमारी फ्राई होने के लिए हो चुकी है तैयार। पैन गरम हो चुका है तो अभी हम डाल देंगे इसमें तेल, एकदम अच्छे से लेग पीस को एकदम अच्छे अंदर अंदर पूरा मसाला लगा देना है। पहले हम इसे फास्ट गैस में पकाएंगे, तो एक तरफ से पक चुकी है
वो माशाल्लाह आराम से दान चिकन इज रेडी मुंह में पारे अभी ये तरफ हम किए ना यहाँ पे गोश्त का इसे ज्यादा होता है तो अभी हम इसे स्लो आंच पे 15 मिनट के लिए कर रहे हैं तब तक हमारी चिकन पक जाएगी हमारी हमारी पोल्ट्री फार्म नहीं हमारी फ्रिज की चिकन जो तुमने मुझे ला के दिया था जो तुमने मुझे वॉश करके दिया था वॉश करके दिया था मार्केट से ला के दिया था माशाल्लाह हमारी चिकन लेग पीस हो चुकी है तैयार अब बहुत अच्छी खुशबू रही है जिदान को और सामने को बहुत तेज भूख लगी है आइए सर्व करते हैं और पापा भी वहाँ तैयार बैठे हैं टेस्ट अच्छा। के लिए ये देखिए पीछे से भी है ना तभी हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे जिदान गार्निशिंग के लिए सब टमाटोज ऑनियंस तो जिदान कैसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ये एक ट्रे हमारा तैयार हो चुका है चिकन का तो अभी हम दूसरी प्लेट तैयार करें माशाल्लाह दोनों चिकन की ट्रे हमारी हो चुकी है तैयार चिकन लेग पीस तो जिदान ये चीज खोल दो जिदान पहले से मैंने खोल के रखा था मुझे पता नहीं था थैंक यू जिदान तो अभी हम इसमें चीज ग्रेट कर देंगे तो चलिए टेस्ट करते हैं तुम लोग तैयार हो गए खाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं हाँ तो चलो टेस्ट करते हैं तो जिदान को चाहिए चीज वाला डाल देते हैं इसमें एक चम्मच चटनी रुको पहले मैं टेस्टिंग करता हूँ हाँ फिर जिदान पे जाओ हाँ पहले बस मैं भी तुमको यही सोची थी कि तुम वहां से टेस्ट करो तुम टूट गए आराम से लेकिन गर्म है तो ये थोड़ा डिप कर गए चटनी में बताओ कैसा है आवाज आ रही हो बना बता दो नहीं जल्दी जल्दी बताओ ना कैसी सब कुछ परफेक्ट हाँ परफेक्ट तब मुंह में पानी आ रहा जबरदस्त चिकन लेग पीस फ्राई सब कुछ परफेक्ट है सारा जो टेस्ट एकदम उठ कर आ रहा है बहुत मजा आ रहा है खाने और ये चटनी के साथ तो मतलब सोने में सुहागा हो गया है चटनी के बिना इसका थोड़ा जो मजा है ना वो अधूरा रहेगा तो चटनी जरूर साथ में बनाना ठीक है तो मैंने टेस्ट कर दिया मैंने रिव्यू दे दिया 10/100 अभी ओवर टू जिदान जिदान को परेशान करो जब तक मैं खाता हूँ ठीक है तो ये उठा जिदान का सामने नजदीक तो ये माशाल्लाह जिदान ये सब नहीं खाता है फिर भी मैं प्लेट में रख दूंगी तो जिदान मैं भी देखता हूँ जिदान कर रही हूँ हाँ। चटनी डाल दो थोड़ी सी चटनी को मजा नहीं था वही 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 हाँ आराम
आराम से गर्म है, आराम से आराम से आराम से। चलिए एकदम चीज़ी टेस्टी के साथ ना। सलाद में क्या लोगी? टोमेटो क्या होनी है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो चटनी एकदम भरपूर भर दिया। हाँ, एकदम जूसी। जब हम कोई डिश बहुत प्यार से सब मिलके बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही दिल से और प्यार से ये रेसिपी तन्नो ने आप लोग के साथ शेयर की है। ये सिद्धांत को बहुत दिनों से खाने का दिल कर रहा था, मेरा भी खाने का दिल कर रहा था, सामने का भी खाने का दिल कर रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है, अभी अगर तुम लोग के लिए मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो एक्चुअली मैं ना रमजान में बहुत बार बनाई हूँ पर मैं शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोग के साथ। तो जिदान ने मुझे बोला कि मम्मा आज शेयर कर दो, तो जैसे बताई हूँ वैसे ही बनाना और खुद भी खाना, अपने घर वालों को भी खिलाना। देखो कितने शौक से खा रहे थे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, जब तक अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। फिर आएंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। बहुत जल्द बाय बाय, लव यू ऑल, इट्स मी ज़िदान, मम्मा पिज़्ज़ा, अल्लाह हाफिज़। आओ खाने भाई, आप लोग बाय, टेक केयर।